5 लाख रुपए में आपको मर्सिडीज ब्रांड टैग की गाड़ी भी अवेलेबल होती है। आपके लिए भरमार गिफ्ट लेके आए हैं इस बार। अपना प्यार हमको इस रूप में दे सकते हैं कि आप हमको 10,000 कमेंट्स इस वीडियो में दें। बिना बोले उन्हें डील करी है तो फिर आपके साथ चीटिंग हुई है। अच्छा, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग। इसे कहते हैं ह्युंडई का बफे। यस, मतलब i20 और i10 की इतनी वैरायटी पर मजा आ गया। गिव अवेज भी आपके लिए रेडी हैं टर्बो टॉय से। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है इरफान और इस टाइम आप देख रहे हैं माई कंट्री मैरिट। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2021 बहुत ही खास रहेगा क्योंकि इस जनवरी के महीने में जैसे धमाके हम आज आपको दिखाएंगे या इस महीने में दिखाएंगे कि आप भी कहोगे कि वाह इरफान भाई क्या बात है, आपने प्री ओन गाड़ियों की जो हमें वीडियो दिखाई हैं उसमें हमें मज़ा आ गया। तो जब भी मज़े की बात होती है ना, और जो फ़न करना होता है या फिर अपने भाई से मिलना होता है या फिर आपको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखानी होती हैं और आपके बजट की गाड़ी दिखानी होती हैं, तो हमें पता है एक ही जगह आना पड़ता है और वो है जी हमारे द वन एंड ओनली द ऑनेस्ट पाजी जसमीत पाजी। पाजी की अभी लेग में थोड़ी लगी हुई है बट स्टिल ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू शूट द वीडियो। पाजी थैंक यू सो मच। और कैसे हो भाई? सबसे पहले आपकी ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर 2021। ठीक है, फ्रॉम टर्बो टॉयज फैमिली। बहुत बढ़िया। टर्बो टॉयज नाम अब किसी मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहाँ पे आए हैं, आपकी शक्ल ही बता देती है कि हम टर्बो टॉयज पे हैं। पाजी सबसे पहले जब भी कोई वीडियो हमने स्टार्ट करी है, सबसे पहले जो हमने चीज़ बताई है वो बताइए एडवाइस जी। आज की जो 2021 की जो सिचुएशन है यूज्ड कार की या यूज्ड कार में क्या चल रहा है कुछ बताओ यार। देखिए, एक सबसे बड़ी जानकारी हमने आपके व्यूअर्स को देनी है, आपके ऑडियंस को जागरूक करना है। बहुत एक मार्केट में इशू आ रहा है कि कहीं पर्सन्स हैं जो ना कमर्शियल कार्स को प्राइवेट करके मार्केट में गाड़ियां सोल्ड कर रहे हैं। तो क्या ये गलत है करना? देखिए, ये गलत नहीं है, बट कमर्शियल जो गाड़ियां होती हैं वो काफी ज्यादा ड्रिवन होती हैं। अच्छा, और जो आप उसको बाद प्राइवेट करवाते हो तो प्राइस का उसपे बहुत फर्क आता है। अच्छा। वैल्यू का बहुत फर्क आता है। अगर आप जो डायरेक्ट प्राइवेट कार है अगर वो परचेज कर रहे हो, वो आप एक प्राइस आपको समझ आता है कि भाई वो प्राइस होना चाहिए। बट कमर्शियल टू प्राइवेट कार्स भी अगर सेम प्राइस में ले रहे हो जो ऑलरेडी प्राइवेट कार्स के प्राइस है, तो वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा, उसमें क्या होता है, अगर जैसे कई जो है पर्सन वो अगर बता के आपको सेल कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। बट आप अपना वैल्यू अपने आप देख के नेगोशिएट करके उससे आप गाड़ी अच्छी डील ले सकते हैं। पर मेनली आप ये चेक कर लीजिए कि जो कंपनी में उसका रिकॉर्ड नहीं होगा उस नंबर का, क्योंकि नंबर तो दूसरा लग गया। अच्छा, आपको चेसिस नंबर, इंजन नंबर शोरूम में शो करना पड़ेगा, तब जाके उसके बेसिस पे रिकॉर्ड निकलेगा। ठीक है, आपको बोलेंगे कि कोई मतलब लेस ड्रिवन कार है या ये मीटर टैम्पर्ड कर दिया, क्योंकि उस गाड़ी का जो नंबर है वो तो आपको दिख ही नहीं सकता। कमर्शियल नंबर क्या था पहले आपको पता ही नहीं होगा। तो इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो एक आम इंसान जो गाड़ी खरीदने जाता है यूज कार, वो कैसे पता लगाएगा कि ये गाड़ी कभी कमर्शियल नंबर पे थी या नहीं थी? देखिए, दो चीजें हैं। फर्स्ट तो आप जैसे आरसी के ऊपर, वैसे आप पता नहीं लगा सकते। आरसी में आजकल उसमें लिखा हुआ आ रहा है CON, CON यानी इट्स कन्वर्ट। अच्छा, अब कई जो है पीपल वो उस CON को स्क्रैच कर देते हैं। अच्छा, मिटा देते हैं, वो उसको ब्लर कर देते हैं ब्लेड से ताकि दिखे ना, ताकि वो CON हट जाए। तो आपको पता लग ही नहीं पाएगा कि ये नॉर्मल आरसी है या कन्वर्टेड आरसी। तो सबसे बड़ा तो ये पॉइंट होता है, क्योंकि काफी फीडबैक मतलब हमारे कस्टमर्स के पास से आए हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, हमारे से एडवाइस लेने आए थे, तो हम क्या करें। मैंने कहा अगर आपको बता के बेचा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैल्यू का फर्क होता है आम कार से और कमर्शियल टू कन्वर्ट टू प्राइवेट कार्स में। सेकेंडली, अगर आपसे बिना बोले उन्हें डील करी है तो फिर आपके साथ चीटिंग हुई है। अच्छा, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कमर्शियल कार ले ली है प्राइवेट नंबर पे जो है। तो ये एक आज की एडवाइस थी जो पाजी ने आपको बताई, जिसमें आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रख सकते हैं जब भी कोई गाड़ी लेते हैं, इस चीज़ का भी आप एक बार चेक करें कि भाई गाड़ी कहीं कमर्शियल नंबर तो नहीं थी, और उसके बारे में पाजी ने आपको बता दिया। पाजी ने ये कहा कि ये चीज़ बेचना गलत नहीं है, लेकिन बिना बताए बेचना वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, अनफेयर होता है इंडस्ट्री में, बिल्कुल अनफेयर है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 2021 में अगर टर्बो टॉयज से गिव अवेज नहीं करे आपके लिए तो फिर क्या किया? एक मिनट दोगे मुझे? 1 सेकेंड। आपके लिए
भरमार गिफ्ट लेके आए हैं इस बार और हमेशा से लाते हैं। ये देखिए ये हैप्पी गुडीज हैं जी, ये गुडीज आपके लिए पैक करवा रखे हैं, बस ये शिपमेंट पे लगने वाली हैं। अब शिपमेंट पे कैसे लगेंगी जी ये 10 लकी विनर यानी 10 लोग चुने जाएंगे टर्बो टॉयज की वीडियोस में से। कंडीशन कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट करो। एक टारगेट सेट कर रहा हूँ कमेंट का, पाजी आप अपने मुंह से बताइए कि कितना टारगेट होना चाहिए, ये कितने गिव अवेज हैं। देखिए जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं माइक एंड टीम राइट के टर्बो टॉयज के, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ और दिल से आपकी सेवा करता हूँ और दिल से करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो अपना प्यार हमको इस रूप में दे सकते हैं कि आप हमको 10,000 कमेंट्स इस वीडियो में दें, दिल को बहुत खुशी मिलेगी और आपको बहुत बहुत मैं मतलब हमेशा ही आपका ऋणी रहूंगा, आपका कर्जदार रहूंगा कि आपने 10,000 कमेंट्स इस वीडियो में दे दी। तो 10,000 कमेंट का एक टारगेट सेट कर रहे हैं और 10 लकी विनर चुने जाएंगे इसी वीडियो के, जिनको हम भेजेंगे गुडीज। ये एक प्यार है, ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक मोहब्बत है, एक सेवा है जो हम कोशिश करते हैं अपने सब्सक्राइबर को लेकर करें। और कंडीशन सिर्फ इतनी है, आपको लिखना है कमेंट में जाके #turbotoys #lovemcmr, उसके साथ कोई भी अच्छा सा कमेंट एंड प्लीज मेंशन योर ईमेल आईडी, ताकि आपकी ईमेल आईडी के थ्रू हम आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, क्योंकि पाजी ने कहा है कि 10,000 कमेंट अगर हमें इस वीडियो पे मिल गए तो इसके बाद जो गिव अवे है ना टर्बो टॉयज का नेक्स्ट वीडियो में, वो इससे भी ग्रैंड करेंगे। बिल्कुल जी, आने वाले टाइम में हमने बहुत आपके लिए ग्रैंड ही करना है। हाँ जी, और आप सपोर्ट करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, बाबा जी की ब्लेसिंग्स होंगी, तो हम जरूर उनकी कृपा से आप सबके प्यार से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करेंगे, ताकि आपको हमारे परिवार के साथ जुड़ के खुशी ही हो। आज की जो वैरायटी है वो 2021 में क्या वैरायटी है टर्बो टॉयज पे? देखिए आज हमारे पास टोटली फ्रेश कार का स्टॉक है और बिल्कुल बिल्कुल नई कार्स हमारी रेडी होके प्रोक्योर्ड होके रेडी होके डिस्प्ले में आ चुकी हैं। ठीक है, और छोटे बजट से लेके और लग्जरी सेगमेंट की कार्स सारी हमारी अवेलेबिलिटी है और बहुत अच्छा स्टॉक आपको पसंद आएगा। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपना जो स्टॉक है आपको महीने में, आपको अगर हमारा एक बार माय कंट्री मैरिट में आते हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 बार आते रहे भैया के थ्रू आता रहे और आपका प्यार हमको मिलता रहे। आप हमारा स्टॉक हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं www.turbotoys.com में और व्हाट्सएप का कैटलॉग जो नंबर है उसमें भी आप हमारा नंबर एक बार शेयर कर दें 9213727292 में, जिससे कि आप 24/7 जब भी आप वो नंबर पे स्टॉक चेक करेंगे कैटलॉग तो आपको अपडेटेड स्टॉक मिलेगा। अब एक चीज पूछनी है, लोन का 2021 में क्या चल रहा है कि फाइनेंस का बता दो। देखिए फाइनेंस का मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि दिल्ली और NCR के लिए ही फाइनेंस चल रहा है। NCR में जैसे फरीदाबाद मतलब कुछ कुछ आसपास की जो सिटीज है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, मतलब इसके ऐसी ऐसी स्टेट्स में मिल रहा है। ड्यू टू कोविड अभी भी अदर स्टेट्स का लोन नहीं मिल रहा। अच्छा, तो प्लीज आप जो कमेंट करते हैं, आप हमको मतलब हमसे फीडबैक लेते हैं बार बार, आप हमसे पूछते हैं, तो मैं आपका यही एक आंसर है कि अभी जब बैंक ने अभी शुरू नहीं किया, जब भी शुरू होगा तो हम आपकी वीडियो के माध्यम से हम आगे आपको कन्वे कर देंगे आपको। तो ये है कुछ आज का आप को छोटी सी टिप्स के साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी और गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना, कमेंट करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड लगेंगे टाइप करने में। Yes. और आप लोग जीत सकते हैं ये गुडीज। अब इसके अंदर क्या है ये आपके घर पे आके ही पता लगेगा। अब बढ़ते हैं पाजी फिर स्टॉक की तरफ। 2 ब्यूटी दिख रही है मुझे, लग्जरी वाइट एंड ब्लैक, मास्टरपीस कहा आपने, बोथ आर मास्टरपीस। जो क्वालिटी चेक्स हैं और जो कार की जो इंटीरियर एक्सटीरियर क्वालिटीज हैं, आपको ऐसे बजट में ये कार्स कहीं नहीं मिलने वाली। हमारा मोटिव है कि आपका जो ड्रीम है टर्बो टॉयज की फैमिली से, MCMR की फैमिली से पूरा हो, आपके घर में इंशाल्लाह हर घर में गाड़ी पहुंचे, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा एसेट सबके लिए होता है और सबकी ड्रीम होती है, सबका शौक होता है और पूरा हो। अभी बढ़ते हैं लग्जरी गाड़ियों की तरफ, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं टर्बो टॉयज का बेस्ट स्टॉक है। तो चलिए जी, आप
सफर जो है वो शुरू हो चुका है 2021 2021 बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आज हम हैं टर्बो टॉयज पे और आपको दिखा रहे हैं इनकी गाड़ियों की रेंज। भाजी अफोर्डेबल वर्ड एक दिमाग में आता है तो लोग सोचते हैं कि क्या अफोर्डेबल में मर्सिडीज आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। हमारे लेफ्ट और राइट में दोनों मर्सिडीज हैं और दोनों पॉकेट फ्रेंडली कार्स हैं, बजटेड कार्स हैं, प्रीमियम लग्जरी कार। लोगों का माइंडसेट ये है कि लग्जरी कार हमेशा 15-20-25 लाख की होगी। हाँ जी, बट देखिए जो मेरे लेफ्ट साइड में है ये मर्सिडीज 2009 मॉडल है। ओके, C200 कंप्रेसर ब्लैक कलर में है और टोटली ओरिजिनल पेंट है कार का, ओनली बम्पर्स आर रीपेंटेड। ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट है 43,000 किलोमीटर ओनली ड्रिवन है। ठीक है, लेस ड्रिवन कार है अभी तक जेन्युइन ड्रिवन, नो मीटर टैम्परिंग विद ऑल द गारंटी। ओके, कोई भी टैम्परिंग विद ऑल द ओरिजिनल पेंट। ब्लैक कलर में दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, पेट्रोल वेरियंट है। ठीक है, C200 ऑटोमेटिक सनरूफ। ठीक है, ये कार आपको टर्बो टॉयज में 5 लाख रुपए की मिल जाएगी। 5 लाख रुपए की 2021 में भी आपको मर्सिडीज जैसी गाड़ी मिल सकती है जिसकी वैलिडिटी अभी काफी है, क्योंकि ये दिल्ली रजिस्टर्ड कार है। 4 साल के लिए वैलिडिटी है, तो 4 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरी। अब बात करते हैं ये, अब मुझे ना ये वाली जो शेप है ना मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। भाई से मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि भाई जब भी आप लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये व्हाइट कलर में, भाई ये कौन सा वेरियंट है वैसे? ये ई क्लास है और ई क्लास 2008 मॉडल और पेट्रोल वर्जन है ये भी। ठीक है, 2008 पेट्रोल वर्जन, E200 कंप्रेसर एंड व्हाइट कलर में है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ब्यूटीफुल मास्टर पीस है। दोनों कार्स, बोथ द कार्स आर वेरी गुड, बोथ कार्स आर मास्टर पीस। और टर्बो टॉयज में इस ई क्लास का भी प्राइस है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख की है। इसकी वैलिडिटी कितनी बची? ये आपकी 3 साल के आसपास चलेगी। ओके, और ई क्लास है, मतलब दैट इज अ डिफरेंस। ये समझ लीजिए बड़ा भाई है और वो छोटा भाई है। 5 लाख रुपए में आपको मर्सिडीज ब्रांड टैग की गाड़ी भी अवेलेबल होती है। कहाँ? यहाँ टर्बो टॉयज, यूज्ड कार एक्सपर्ट टर्बो टॉयज। आप आ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी गाड़ी की डिटेल, क्योंकि हमारा काम तो है आपको ऐसी गाड़ियों की डीलें दिखाना। अब बात करते हैं सफारी। अब सफारी जो है, सफारी काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट रहती है जी, क्योंकि ये एक ऐसी एसयूवी कार है प्री ओन्ड में जो सस्ते बजट में आई थिंक मिल जाती है जी। ये टाटा सफारी स्टॉर्म है और 2012 मॉडल है, और सबसे बेस्ट पार्ट है ये सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली है विद ऑल द सर्विस इन टाटा, और पूरा पेंट गाड़ी का ओरिजिनल है, व्हाइट कलर में, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, ब्रांड न्यू कंडीशन में सफारी है, 7 सीटर स्टॉर्म। और टर्बो टॉयज में इस सफारी का प्राइस है 4,75,000, 4,75 की। 4,75, तो यानी अगर 5 लाख में अगर लग्जरी का मन नहीं बना, अगर 7 सीटर भी चाहिए तो श्योरली। बिल्कुल, सफारी स्टॉर्म जो है वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कार एसयूवी के अंदर अभी भी। अब 2021 में और क्या दिखाओगे आज? देखिए बहुत स्टॉक है, बिल्कुल आज सबसे फ्रेश स्टॉक है, बिल्कुल न्यू स्टॉक। और आइए आपको दिखाते हैं बहुत छोटे बजट से लेके हाई बजट तक जो कार्स हैं पूरी की पूरी आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं अपने। तो चलिए आइए चलते हैं अब डिस्प्ले में और गाड़ियां देखने। तो चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं टर्बो टॉयज का जो स्टॉक है उसमें सबसे पहला जो ब्रांड है आज स्टॉक की जो लाइन है आप एक बार देख लीजिए। इसे कहते हैं ह्युंडई का बफे। यस, मतलब i20 और i10 की इतनी वैरायटी पर मजा आ गया। देखिए हुंडई की काफ़ी डिमांड आ रही थी तो और बाय चांस बाय लक काफ़ी सारी हमने जो प्रोक्योर करी है कार वो हुंडई की i10 i20 कर ली हमने। शुरुआत करते हैं पहले से। हाँ जी, ये 2010 मॉडल है, i20 स्पोर्ट्स है, सेकेंड ओनर है, 66,000 चली हुई है। ओके, जेन्युइन पेट्रोल पे चली हुई है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। टर्बो टॉयज में इस i20 स्पोर्ट्स का जो प्राइस है 2.25 लाख रुपये का। बढ़िया जी, 2.25 लाख रुपये में पहली i20 डिस्क्लोज हुई। अब देखते हैं दूसरी। लाइटों का फर्क लगा मुझे? हाँ जी, ये न्यू शेप में है। ओके, ये 2012 मॉडल है, i20 स्पोर्ट्स, सिंगल ओनरशिप, ठीक है, CNG सिक्वेंशियल ऑन पेपर्स, 70,000 के आसपास चली हुई है। ठीक है, वाइट कलर में, वेल मेंटेन कार है, न्यू शेप में कार है i20 के अंदर जो अपग्रेड हुआ था। और टर्बो टॉयज में इस i20 का प्राइस है सिक्वेंशियल CNG 3.5 लाख रुपए का। बढ़िया जी, वेल मेंटेन कार है। अब चलते हैं आगे एक और। अच्छा, तीनों ही वाइट में, ये भी बात है। हाँ जी, ये 2010 मॉडल i20 स्पोर्ट्स, सिंगल ओनर, 65,000-70,000 चली हुई है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, वाइट कलर में, और टर्बो टॉयज में इस i20 का प्राइस है 2.5 लाख रुपए का, सिंगल ओनरशिप कार का। ठीक है जी, बढ़िया। अब चलते हैं i10। अब i10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i10 है, तो i10 वालों के लिए कोई निराशा वाली बात नहीं होगी। ये 2011 मॉडल है, सिंगल ओनर है, 1.2 मैग्ना और 66,000 के आसपास, 70,000 के आसपास चली हुई है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ये जेन्युइन पेट्रोल पे चली हुई है, गोल्डन कलर है। टर्बो टॉयज में इस i10 का प्राइस है, बिल्कुल बेस्ट प्राइस, 2.25 लाख रुपए का।
बढ़ते हैं आगे, ये भी सेम कलर के देखते हैं, ये 2.25 की है या उससे ऊपर है? ये 2010 मॉडल है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा कार का पेंट ओरिजिनल है, नो टचिंग। ये मतलब जैसे बम्पर्स में आप स्क्रैच भी देख रहे हैं ना, ये हमने पेंट नहीं कराया, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल है। अच्छा, पूरी कार ओरिजिनल है और 70,000 ओरिजिनल भी सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है। 2010 मैग्ना 1.2 सिंगल ओनर गोल्डन कलर की जेन्युइन पेट्रोल पे। ठीक है, अब आपको मॉडल और एकदम से प्राइस बता दें ताकि आपको आई10 का अंदाजा हो जाए। पाजी मॉडल एंड प्राइस बताइए। ये 2010 मॉडल है, सिक्वेंशियल CNG ऑन पेपर्स है, ओके, ओनरशिप सेकंड है। आपको बेस्ट प्राइस में 1,75,000 की आपको मिल जाएगी। तो ये जो प्राइस जो हमने आज बताया है 2021 में, हाँ जी, ये नेगोशिएबल है या फिक्स है? ये सारे प्राइस नेगोशिएबल है। ये 2011 मॉडल है और सेकंड ओनरशिप है, ये भी पेट्रोल के अंदर कार है और 70,000 के आसपास चली हुई है। व्हाइट कलर, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन और टर्बो टॉयज में आई10 का प्राइस है 2.25 लाख रुपए का। 2.25 लाख, ठीक है जी। ये न्यू शेप में आती है बेसिकली 11 मॉडल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कलर वेरिएंट आगे अपने पास रेड आ गया। हाँ जी, ये रेड चेरी कलर 2009 आई10 है। बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी की ग्रीन CNG लगी हुई है, ठीक है, हुंडई की। सेकंड ओनर है और 70,000 के आसपास चली हुई है। टर्बो टॉयज में इसका प्राइस है 1,75,000 का। बढ़िया, अब बढ़ते हैं एक कोर आई10 के, मतलब आई10 तो आज मतलब शायद ही ऐसा हुआ होगा कि इतनी सारी आई10 मैंने कभी करी होंगी। हाँ जी, एक ही वीडियो में। हाँ जी, ये 2012 मॉडल है आई10। सबसे बेस्ट पार्ट है कि लेस ड्रिवन कार है, सिर्फ 45,000 चली हुई है और इसके टायर भी 7 के हैं 2012 के, चारों टायर। हमारी ऑफर ये है आपके व्यूअर्स के लिए, अगर ये कार कोई परचेज करेगा तो 2012 आई10 45,000 चली हुई सिंगल ओनर ऑल ओरिजिनल कार, मतलब बम्पर्स और फर्स्ट टाइम ये पेंट हुई है गाड़ी, मतलब 2-3 पीस। आप ये कह रहे हो कि 2012 में जो इसमें टायर थे वो आज तक हैं? वो आज तक हैं। अच्छा जी, वही हमारी ऑफर है आपके व्यूअर्स के लिए कि ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए में देंगे विद ऑल द 4 टायर्स चेंज करके। अच्छा, चेंज कर देंगे? यस, मैं टायर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, चारों टायर चेंज करके देंगे आपके सामने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए जी, इको फ्रेंडली रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इको एक ऐसा वर्ड है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब इस गाड़ी का नाम ही है जी इको। इको किस पर्पस के लिए इंसान लेता है वैसे? देखिए, कई लोगों को जैसे 5 सीटर 7 सीटर की रिक्वायरमेंट होती है तो मॉडिफिकेशन करके थोड़ी सी स्पेशियस कार होती है। अच्छा, किसी को लोडिंग के लिए भी यूज़ करनी होती है तो बहुत सारी चीज़ें का ये फ़ायदा देती है। ये बेसिकली घर में चलाने के साथ साथ आपको बिजनेस में फ़ायदा देती है। ठीक है, ये 2013 मॉडल है मारुति इको, इसमें सिक्वेंशियल CNG इंस्टॉल्ड है और ग्रीन CNG नहीं है बट आउट ऑफ मार्केट इंस्टॉल्ड है, ऑन पेपर्स है, सिंगल ओनर है, 80,000 चली है विद सर्विस रिकॉर्ड, अच्छी वेल मेंटेन कार है, सिल्वर कलर, 5 सीटर AC वाली, और टर्बो टॉयज में इस इको का प्राइस है 2,35,000 का। अब जो हमने बात बताई शुरुआत में, वो जो प्राइवेट से जो मतलब कमर्शियल से जो प्राइवेट होती है जी, अब इको तो मेरे को लग रहा है कमर्शियल में भी आती है। देखिए, कमर्शियल में भी आती है और ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। हम बेसिकली हम तो सारी चीज़ की क्लैरिटी देते हैं कि अगर कमर्शियल से प्राइवेट भी लोग करा के बेच रहे हैं, बट मेन थिंग है कि आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लेकिन आपके दाम और कीमत जो है वो आप उसके हिसाब से ही आपको देनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात भी बताई है पाजी ने आज, जैसे कि हर वीडियो में एक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स को कि भाई ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाला है, वो कभी भी किसी के पास भी गाड़ी लेने जाए तो वो कुछ पॉइंट्स को तो एटलीस्ट दिमाग में रखे। देखिए, हमारा मोटिव यही है आपके चैनल का, हाँ, और हमारे टर्बो टॉयज का कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता में अवेयरनेस करें ताकि उनको पता हो कि जो डील वो ले रहे हैं वो जेन्युइन डील हो उनकी। बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं स्विफ्ट पाजी, ओरिजिनलिटी बताओ पहले गाड़ी की। सर देखिए, इसके सिर्फ बम्पर्स पेंट हैं, बाकी 1-2 पीस मतलब बॉडी के जो है पेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, नॉन एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल फ्री कार्स होती हैं। ओके, 2012 न्यू शेप में है, सिंगल ओनर है और VXI वेरिएंट है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये सिर्फ 29,000 चली हुई है, कम चली है, लेस ड्रिवन कार, 29,000 चली हुई स्विफ्ट 2012। आपको टर्बो टॉयज में ये 3.5 लाख रुपए की डील मिलेगी आपको। बढ़ते हैं आगे जी, सिलेरियो है हमारे पास, सिलेरियो की क्या कंडीशन है जी? ये 2017 मॉडल है सिलेरियो। सबसे बेस्ट पार्ट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ओके, 2017 मॉडल, सिंगल ओनर है, 34,000 किलोमीटर ड्रिवन है ओनली, ये भी कम है, लेस ड्रिवन कार और जेन्युइन पेट्रोल, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, टर्बो टॉयज में इस सिलेरियो का प्राइस है, सबसे बेस्ट प्राइस 4,25,000 का। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे सेडान कैटेगरी में, वी हैव सियाज, होंडा सिटी भी मुझे दिख रही है, वो भी आपको दिखाएंगे, बट फिलहाल देख लेते हैं सियाज। ये सियाज 2017 मॉडल है और बेस्ट पार्ट बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बम्पर भी रीपेंटेड, बम्पर भी रीपेंटेड नहीं है 2017। बम्पर की जो ओरिजिनलिटी है वो देख लेते हैं, स्क्रैचेस से हमने हटाई नहीं, मतलब ऐसी एज इट इज है। एक बार आप देख लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन है जो पाजी ने दी है वो आप तक पहुंच जाए। अब ये कह रहे हैं पाजी ये और ये दोनों सेम है, कोशिश पूरी रहती है हम आपको जितना ओरिजिनल कार दे सकें। और बेस्ट पार्ट है ये भी 50,000 चली हुई है, लेस ड्रिवन कार है, ये भी ओरिजिनल कार है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर तक अवेलेबल है। टर्बो टॉयज में इस सियाज का प्राइस है 675,000 का, 675,000 का। बढ़िया, अब स्विफ्ट के आई थिंक अपने को यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ जी, ये सिल्वर वाली जो है 2012 मॉडल है, और व्हाइट वाली, और व्हाइट वाली 2010 मॉडल। अच्छा 10 और 12, ठीक है। ये न्यू शेप में कार है, 2012 सिंगल ओनर है और 65,000 के आसपास चली हुई है, पेट्रोल है और VXI वेरिएंट है। ओके। और अच्छी मेंटेन कार है ये भी, कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं है। थोड़ा बहुत जो मिक्स इसका पेंट है, टचअप है, हम आपको बताया कि पूरी कोशिश करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग हमारी टर्बो टॉयज की मेशा रहती है। देखो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पता लग जाए कि क्या क्या स्टॉक खड़ा हुआ है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो पाजी आपको पूरी गाड़ी की R&D बताएंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज कैसी है, ताकि लेने वाले को भी ये लगे कि हाँ भाई मुझे एक एक चीज बारीकी से बता दी गई। और हम कभी फोर्स नहीं करते, फोर्स नहीं करते, हम अपना बेस्ट दिखाते हैं आपको। मेरे जो आपके लॉयल, आपके जो व्यूअर्स हैं, हमारे भी लॉयल कस्टमर्स हैं, बिल्कुल, उनको पता है जो देख रहे हैं ये वीडियो कि हमने उनको कितना अच्छा मतलब सर्व किया है और कितना बेस्ट उनको ऑफर्स दिए हैं और बेस्ट सर्विस दी है। क्या डील मिल रही है टर्बो टॉयज में? इस स्विफ्ट का प्राइस है, जो हमारी डिमांड है, आस्किंग प्राइस है 3.5 लाख रुपए का, और 10 मॉडल का, और ये 10 है, ये CNG ऑन पेपर्स है, सिक्वेंशियल CNG, सिंगल ओनर है, और 49,000 जेन्युइन ड्रिवन है, ये भी लेस ड्रिवन कार में आ गई। अब 10 मॉडल आपने बोल दिया, अब 10 मॉडल के हिसाब से ये 49 चली है। हाँ जी, आज 2021 हो गया है। हाँ जी, तो तकरीबन 10 साल गाड़ी चली, तो एक साल में कितनी चली है? एवरेज आप लगा लो कि 5,000 के आसपास, 5,000 से 7,000, तो उस कैलकुलेशन से ये लेस ड्रिवन कार है और प्रॉपर सर्विस मेंटेन है। क्या डील मिल रही है टर्बो टॉयज में? इसकी जो डील है बेस्ट प्राइस 2.5 लाख रुपए का। चलिए ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं साल की पता है कितनी गाड़ी चलाता हूँ, आप भी मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, आज थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैं साल में, मेरी जो कैलकुलेशन है, मैं दिल्ली में ही ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ साल में तकरीबन जो मेरी एवरेज है वो है 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर मैं चला देता हूँ एक साल में। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपनी गाड़ी किस कैलकुलेशन से अभी तक चलाई है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक साल में आपने कितनी ड्राइव करी है, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन कितनी ज्यादा चलाता है गाड़ी। बेसिकली डिपेंड होता है अपने प्रोफेशन पे। हाँ जी, आपका अगर ट्रैवलिंग प्रोफेशन है या आपकी जॉब कहीं दूर है, बिजनेस दूर है, तो आपकी ऑब्वियसली वो चलेगी गाड़ी ज्यादा। और ये एक हमारे पास एक परफेक्ट मास्टरपीस आया है, इको स्पोर्ट्स का, और 2014 मॉडल है, 2014। हाँ जी, टाइटेनियम प्लस मॉडल, पुश स्टार्ट बटन, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल विद ऑल द एयरबैग्स, ABS, एवरीथिंग। सबसे बेस्ट पार्ट है, अब आप बताऊंगा, लेस ड्रिवन कार है, 40,000 किलोमीटर। चलिए ठीक है, सिंगल ओनर, डीजल वेरिएंट, टाइटेनियम प्लस, व्हाइट कलर में, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन। टर्बो टॉयज में इस इको स्पोर्ट्स का प्राइस है आपके लिए बेस्ट प्राइस 5.25 लाख रुपए का। 5.25 लाख, कुछ है गुंजाइश कर लेंगे? कैटलॉग में आप देखेंगे तो डिमांड हमारी 5.5 है, आपकी वीडियो के लिए तो मैं आप बताओ डिस्काउंट देता हूँ। चलिए, एक प्यार की तरह, फैमिली की तरह, मतलब 21 है ना, मैंने इसलिए एक्सपेक्टेशन आपसे रखी कि मैंने कहा चलो कोई आएगा तो आपके लिए डिस्काउंट होगा करूंगा मैं, मतलब आपको ऐसी डील दूंगा, ऐसा पैकेज दूंगा कि आप गाड़ी लेके जाएंगे आप। बढ़िया, अब पोलो का ऐसा है ना कि पोलो का अपना अपना टेस्ट है भाई। हैचबैक गाड़ी आप खरीदने जाते हो, आपको हुंडई की i10 भी मिलती है, i20 मिलती है, पोलो भी मिलती है। अब पोलो को समझने वाले बहुत, मतलब होना चाहिए भाई पोलो को खरीदने वाले। मैंने देखा पोलो के ना बड़े मतलब रेयर क्लाइंट होते हैं, लेकिन जो रेयर होते हैं वो फिर ढूंढ भी पोलो ही रहे होते हैं। सर ये तो है ही है सर, मैंने अपनी लाइफ में जितनी पोलो मतलब सोल्ड आउट करी है, दे आर द रियल लॉयल लवर्स ऑफ पोलो। पोलो है, यस यस, मैंने देखा है, कहते कुछ नहीं चाहिए सर, पोलो चाहिए। यस, मतलब मैं हैरान हूं सर, आप कुछ ये देख लो वो देख लो, कहते सर प्लीज पोलो हमको, आप पोलो दिखाइए। क्या वैरायटी है अपने पास सर? ये 2012 मॉडल है, सिंगल ओनरशिप है, कंफर्ट लाइन वेरिएंट है, डीजल के अंदर है, ये भी जो है विद रिकॉर्ड चली हुई 80,000 के आसपास, और ग्रे कलर है इस कार का, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन। और इस टर्बो टॉयज में इस पोलो का प्राइस है, मतलब बेस्ट प्राइस 2,75,000 का। 275 जी, बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक और पोलो। पाजी क्या सेम मॉडल है? ये 2011 मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है, सिंगल ओनर, 60,000 चला है विद सर्विस रिकॉर्ड्स, वाइट कलर में, और दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। टर्बो टॉयज में इस पोलो का भी प्राइस है 2,75,000 का।
2021 का बफे है टर्बो टॉय स्पेस सेडान गाड़ियों का भी, होंडा सिटी इंजन के पास, बताइए। 2014 मॉडल है और डीजल वेरिएंट है, आईडी टेक, 51,000 ड्रिवन है, लेस ड्रिवन कार है ये भी। अच्छा, इसका भी पूरा पेंट ओरिजिनल है, ओनली बम्पर्स आर पेंटेड। ओके, पूरी कार ओरिजिनल है, आप चेक कर सकते हैं थॉरली, और मैकेनिकल मैकेनिज्म इसका बहुत बेस्ट है, बढ़िया, मतलब कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और सॉलिड इंजन है इसका। होंडा सिटी टर्बो टॉयज में जो प्राइस है इसका 4,75,000 का। 4,75,000 का, ठीक है जी। आगे वाली भी किस रेंज में? आगे वाली थोड़ी गंदी हो रखी है। हाँ, ये थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, जब देंगे तो ऑब्वियसली वो तो पूरा हम उसका पैकेज देते हैं। ठीक है, उसका रीज़न पता है क्या है? ऊपर देखो एक बार, हमारे अब पक्षियों को कोई क्या कहेगा बताओ। उनको कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी कृपा बरसाई है, लेकिन साफ करवा देंगे ऑब्वियसली, पैकेज पूरा देते हैं हम। बताइए, ये 2011 मॉडल है, होंडा सिटी आईवी टेक, सिंगल ओनरशिप मॉडल है और वी वेरिएंट है, टॉप मॉडल, ठीक है, पेट्रोल है, HR51 वेरिएंट है। ओके, रजिस्ट्रेशन जो है टर्बो टॉयज में, इस होंडा सिटी का प्राइस है 3,75,000 का। बढ़िया, अब बात करते हैं, अच्छा होंडा का बफे है, फिर मैं भूल ही गया था, ये तो होंडा का बफे हो गया, बताइए। जैज, होंडा जैज, वन ऑफ द स्पेशियस हैचबैक, ये 2010 मॉडल है, होंडा जैज, सिंगल ओनरशिप, और 70,000 चली है विद सर्विस रिकॉर्ड, ब्लैक कलर में, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, और टर्बो टॉयज में इस होंडा जैज का प्राइस है 2,75,000 का। बढ़िया, अब ये देखो, ये एक होंडा सिटी देखो, बिल्कुल ही मिंट लग रही है, काफ़ी अच्छी मुझे मेंटेन कार लग रही है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। पाजी, कौन से साल की रहेगी? ये 2012 मॉडल है और सिंगल ओनरशिप कार है, पेट्रोल वेरिएंट है, और इसका जो कलर है ग्रे है, और ये SMT वेरिएंट है, ठीक है, मिडिल वेरिएंट, और तकरीबन 70,000-75,000 के आसपास चली हुई है। ओके, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। टर्बो टॉयज में इस होंडा सिटी का प्राइस है 3,95,000 रुपीज़। 3,95,000 जी। तो भैया, 2012 मॉडल, तो ये रहा कुछ आज का गणित। वैसे आज हमारे पाजी के पैर में भी थोड़ी तकलीफ है, तो इनको ज़्यादा मैं अभी तकलीफ दे नहीं रहा हूँ इधर उधर चलाने की। नहीं, नहीं, लेकिन जहाँ काम करना है, जहाँ हार्डवर्क करना है, उसके लिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ये जो काम का जो स्पिरिट है ना, ये जो आपका स्पिरिट जब हम देखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वर्क को लेके आप अपने काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, और गाड़ियों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, तभी आप अपनी पर्टिकुलर वीडियो में जिस हिसाब से आज आपने ब्रांड सबको दिखाए, तो जिस किसी को भी अगर गाड़ियों के अगर इंटीरियर्स देखने हैं पाजी कैटलॉग में, तो हाँ जी, देखिए हमारे जो सारी डिटेल्स हैं आप कैटलॉग में देख सकते हैं, हमने आपकी प्रीवियस वीडियोस में भी, आप चेक कर सकते हैं इरफान पाजी की प्रीवियस वीडियोस में, उसमें कैटलॉग हमने दिखाया कि कैसे देख सकते हैं आप स्टॉक, ठीक है। नंबर है 9213727292, परफेक्ट। तो उसमें आप सेव करके हाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट मैसेज आएगा, और आप उसी में, तो आप उसमें कैटलॉग आप सारा स्टॉक देख सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो हमारे पास विजिट करिए, आप फिजिकली सारा स्टॉक देखिए आके। हाँ जी, हम ये नहीं कहते कि आप लेके जाइए, कभी आपको हमारे तरफ से कोई फोर्स आए करेंगे कि भाई आप लो अभी लो, हम कहते हैं आप अपनी तसल्ली करो अपनी। तो भैया, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस किसी की भी नीड हो गाड़ी की, उस तक वीडियो पहुँच जाए। एंड कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि इस वीडियो में गिव अवेज भी आपके लिए रेडी हैं टर्बो टॉयज से। 10 लकी विनर्स को मिलेंगी टर्बो टॉयज की तरफ से हैप्पी गुडीज, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बता दिया था। क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मेहनत आपकी करवाते नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइप करना है, और टाइप क्या करना है, #TurboToys और #LoveMCMR, और उसके साथ कोई भी अच्छा सा आप कमेंट कर सकते हैं, और अपना ईमेल आईडी भी, और प्लीज़ ये चीज़ आप मेंशन कर रहा हूँ, ईमेल आईडी ज़रूर छोड़े, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी नहीं देंगे कमेंट्स के साथ, तो हम आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे ईजिली। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपनी ईमेल आईडी भी साथ में मेंशन करें, और आप में से 10 लकी विनर होंगे, जिनको पाजी की तरफ से, साड़ी तरफ से मिलेंगे हैप्पी गुडीज़। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय व्यूअर्स।